أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم कैसे आप सब लोग। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे आपसे मैं आज शेयर करने लगी हूँ रिव्यू। मैंने लिया है दराज से ऑनलाइन इलेक्ट्रिक इंडक्शन स्टोव, जो इलेक्ट्रिकल स्टोव होता है वो लिया है मैंने। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। अभी मुझे पार्सल रिसीव हुआ था तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपके साथ भी जो है इसका रिव्यू शेयर करती हूँ। और इंशाल्लाह अभी तो मैं आपके साथ इसकी ओपनिंग कर रही हूँ, फिर मैं जब इसमें कुछ बनाऊँगी ना मैं वो भी जो है ना अपना एक्सपीरियंस आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। यहाँ पे फ्रिजाइल लिखा हुआ है तो मुझे नहीं पता कि ये नाजुक सा है या इसकी क्वालिटी कैसी है। बहरहाल अब आई होप सो कि इट वर्थ बाइंग, अदरवाइज पैसे फिर वेस्ट होने का डर होता है। तो अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, हम ओपन करते और देखते हाउ इट्स गोना वर्क फॉर अस, इट इज़ एक्चुअली गोइंग टू वर्क फॉर अस। तो ये है RAF कंपनी है जिसका ये इलेक्ट्रिक स्टोव है। पैकेजिंग काफ़ी खूबसूरत है इसकी, 1000 वोल्ट का ये है, इजी टू क्लीन है, यूनिफॉर्म हीट है, सिंपल ऑपरेशन है, 1 कुकिंग प्लेट है इसके साथ, वेरियस हीट ऑपरेशन होते हैं इसमें, स्लो भी हो जाती है, फास्ट भी हो जाती है। 3 इयर्स की वारंटी कंपनी दे रही है इसकी, जो कि ये क्लेम करते हैं, जबकि दराज वालों ने मुझसे कहा था कि इसकी कोई वारंटी नहीं है, लेकिन एज यू कैन सी कि जहाँ लिखा हुआ है कि 3 इयर्स की वारंटी है। तो ये आई थिंक इसकी जो है, अच्छा ये इंट्रोडक्शन बुकलेट है जिसमें वो बताते हैं कि इसे कैसे यूज़ करना है, ये हम पढ़ लेनी चाहिए फॉर सेफ्टी पर्पस। अच्छा ये स्टोव है, ये इसका स्विच है, स्विच इसका ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस इतनी सी इसकी वायर है, तो इसे कहीं करीब ही लगाना पड़ेगा। एंड आई एम लुकिंग कि ये क्या है, मेटल का है, स्टील का बना हुआ लग रहा है। ओके आई थिंक ये यहाँ लगेंगे 4, ये मैं आपको लगा के भी दिखा देती हूँ कि इसलिए होंगे शायद कि एक अच्छी सी जगह पर प्लेसमेंट इसकी हो जाए। हाँ ये यहीं लगेंगे। इस तरह से उसको थोड़ी सी उठान देने के लिए बेसिकली ये बनाया हुआ है। छोटा सा है एग बॉईल करने के लिए, चाय बनाने के लिए, पराठे तो आई डोंट थिंक सो कि हम बना सकते हैं, वैसे बना तो हो भी सकते हैं लेकिन फिर ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक का है और आपको पता है पाकिस्तान में वैसे ही बिजली बहुत महंगी है। तो आई थिंक चाय बनाने के लिए, मिडनाइट मंचिंग के लिए, स्पेशली जो हॉस्टल में लोग होते हैं उनके लिए, स्कूल गोइंग के लिए, मतलब बच्चों से तो फिर दूर रखें, लेकिन ये है कि आई थिंक इट इज़ अ गुड प्रोडक्ट सो फॉर। इस तरह से हम इसको, यहाँ से ये ऑन ऑफ होता है, इसकी स्पीड है 5 तक स्पीड इसकी हाईएस्ट जाती है, फिर उसके बाद ये ऑफ हो जाता है, इस तरह आप इसकी स्पीड ऑफ कर दें। तो काफ़ी क्यूट है देखने में, तो छोटा सा है, इंशाल्लाह इसको यूज़ करेंगे फिर देखेंगे कि ये कैसा है, कैसा रहता है। तो यहाँ पर मैंने जो है इसको रख दिया है, ये देखिए ये बर्नर जल रहा है और इनवर्टर्स बन रहे हैं। नीचे मैंने बैग रखे क्योंकि इसकी वायर बहुत छोटी है, मैंने आपको पहले भी वीडियो का वो बनाते हुए दिखाया था कि इसकी वायर बहुत छोटी है। तो मैं भी नूडल्स बना रही हूँ इसके ऊपर, थोड़ी सी स्मेल आती है आई थिंक स्टार्टिंग में आ रही है शायद, लेकिन मैंने इसकी जो स्पीड है वो 3.5 रखी हुई है, ठीक है, ऐसी इसकी स्पीड हाई और कम हो जाती है। और इस तरह से ये बन रहे हैं, देखिए कितना टाइम लेते हैं बनने में, पता चल जाएगा। देखिए नूडल्स ऑलमोस्ट कुक हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो है पानी भी इनका ड्राई हो गया,
तो थोड़ा टाइम लगता है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। सो आई लाइक माई प्रोडक्ट, दिस इज़ अ हिट प्रोडक्ट अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसको हाथ ना करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह से नूडल्स रेडी हो गए हैं, पानी कितने अच्छे से खुश्क हो गया है, बर्तन भी नहीं जला। और तो मेरी तरफ से ये प्रोडक्ट हिट है, आगे आप देख सकते हैं, आपको चाहिए हो तो ज़रूर ले लें। बाकी चाइना का प्रोडक्ट है, एहतियात ज़रूरी है अपनी भी और उसकी भी। तो अल्लाह पाक हमारा जो है वो हमें नसीब हो, ख्याल रखिए। और आई होप कि ये इस तरह वर्क करता रहे इंशाल्लाह।